ये कौन से आम आदमी के मुख्यमंत्री हैं ये तो बता दे। और जो अभी सरकारी पैसे से जो भी टॉयलेट या जो भी फिट आउट्स लगाए गए थे सीएम के घर में, इलीगल तरीके से लगाए गए थे, उसकी तो जांच चल रही है, उस पे केस भी बना है, उसमें बेचारे इंजीनियर्स को इन्होंने फंसा दिया, इनके ऊपर चोरी का केस बनना चाहिए, इनके खिलाफ मुकदमा बनना चाहिए। जब इनको ये मकान छोड़ने की बात आई तो इसमें भी ये किस तरह की चोरी इन्होंने की है, तो मुझे लगता है कि इनकी कस्टोडियल इंट्रोगेशन स्पेशलाइज एजेंसी के पास, या तो सीबीआई के पास ये केस जाए या ईडी के पास ये केस जाए। देखिए, इसमें जो है दिल्ली की जनता सब देख रही है, सबके पास अपनी अपनी आंखें हैं, सबके पास अपना अपना दिमाग है, अब वही जनता अपना विधानसभा चुनाव में उसका उत्तर देंगी। पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बंगले को लेकर लगातार सवाल उठाने वाले अरविंद केजरीवाल के शीश महल को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है सर, जो एक बड़ी लिस्ट सामने आई है कि अपने आप को आम मुख्यमंत्री बताने वाले अरविंद केजरीवाल के शीश महल से जो है वो तमाम बड़ी चीजें निकली हैं, जिसमें रिमोट कंट्रोल से चलने वाले पर्दे और इसी के साथ सोफे से लेकर करोड़ों रुपए का जो है वो सामान, यानी कि पर्दे से लेकर बंगला और जो एसी है, इसी के साथ खबर ये भी आ रही है कि जो लग्जरी टॉयलेट थे वो बंगले से गायब कर दिए गए हैं। आप किस तरीके से देख रहे हैं सर इस तमाम मामले को, जिस पर आम आदमी पार्टी आज भी इस बात पर जोर देती है कि हम तो आम आदमी की सरकार है, हमारे मुख्यमंत्री काफी ज्यादा साधारण रहे हैं। हाँ, बिल्कुल साधारण रहे हैं, ये सबको पता है, कितना मजाक ये दिल्ली के लोगों के साथ कर रहे हैं ये भी सबको पता है। शीला दीक्षित के घर में ये ऑन रिकॉर्ड ये चीज़ है कि ये कहते थे कि 8 AC लगे हुए हैं और मैं ये जनता का पैसा उड़ा रही है, ये कर रही है, ये कर रही है। इनके घर में 40 AC लगे हुए हैं, ये कौन से आम आदमी के मुख्यमंत्री हैं ये तो बता दे। और जो अभी सरकारी पैसे से जो भी टॉयलेट या जो भी फिट आउट्स लगाए गए थे सीएम के घर में, इलीगल तरीके से लगाए गए थे, उसकी तो जांच चल रही है, उस पर केस भी बना है, उसमें बेचारे इंजीनियर्स को इन्होंने फंसा दिया, जो सरकारी कर्मचारी थे उनको जोर जबरदस्ती उनसे काम करवाया, उनको फंसा दिया, अब ये उतार कर ले गए हैं, तो ये भी पता लग गया है कि ये चोरी और सीनाजोरी एक साथ करते हैं। तो ये दिल्ली की जनता को देखना है कि कौन से लोगों को हमने वोट दिया है, कौन से लोग चुने गए हैं और किस तरह से ये बिजली पानी का लोभ देकर भोली भाली जनता को इन्होंने ठगा है और किस तरह से ये खेल किया है, ये तो दिल्ली की जनता को देखना है। इनके ऊपर चोरी का केस बनना चाहिए, इनके खिलाफ मुकदमा बनना चाहिए। और जो इन्होंने ये कर्तव्य किया है इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई भी करनी चाहिए और जनता के बीच में ये विषय जाना भी चाहिए। साथ अब ये भी खबरें सामने आ रही हैं, आरोप लगाए गए हैं कि 10 से 12 लाख रुपए के जो टॉयलेट थे वो गायब कर दिए गए हैं आम आदमी पार्टी के द्वारा। ये आरोप जो है वो बीजेपी में, यानी कि जो दिल्ली के विपक्ष, दिल्ली का जो विपक्ष है वो लगा रहा। देखिए, इस पूरे प्रकरण में बहुत ही मज़ेदार एक्टिंग इनकी सामने आई है। सबसे पहले इन्होंने अपने बूढ़े माँ बाप के साथ चाबी देते हुए वीडियो बनवाई, उसके 1 घंटे बाद चाबी दोबारा ले लिया इन्होंने। तो ये गुप्त कार्रवाई क्या की है, इन्होंने कैसे चुराया है, इनको पकड़ के इनको पुलिस के हाथों में दे देना चाहिए, तब इंट्रोगेट होगा, तब ये बात सामने आएगी। ये सरकारी राजस्व के द्वारा खरीदे गए सामान की चोरी का मामला है, इसको इतने हल्के में हम नहीं ले सकते। ये एक अजीब सा ट्रेंड हो जाएगा, या मुझे तो ऐसा लगता है कि इन्होंने सपा के साथ जो अलायंस की है, उस अलायंस वालों ने इनको सिखाया है कि जब बंगला खाली करो मुख्यमंत्री का तो कैसे सामान उठाओ, कैसे टोटियां निकालो, क्या क्या करो और उसको ले जाकर बेच के पैसे कमाओ। तो ये इनका चरित्र दिखाता है। और ये पूरा जो विपक्ष हमें दिख रहा है कि एक साथ है, तो ये विपक्ष सच में एक साथ है ये हमको भी दिख रहा है, और विपक्ष के कारनामे भी एक साथ हो रहे हैं ये भी दिख रहा है। तो ये तो एक दिल्ली की जनता को देखना है कि किन लोगों को हमने चुना है और किन लोगों को आगे हम चुनेंगे, ये जनता को विचार करना पड़ेगा। सर, इस पूरे मामले में जो है वो मामला दर्ज कराने की बात जो है वो बीजेपी के नेता इस समय पर करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर फिर एक बार जांच इस पूरे मामले पर शुरू होती है तो क्या लगता है मुश्किलें जो हैं वो आम आदमी पार्टी और खुद पूर्व मुख्यमंत्री की खड़ी हो सकती हैं, जो अभी तक अपने अपने आप को एक साधारण मुख्यमंत्री बता रहे थे और कह रहे थे कि दिल्ली की जनता जो है वो काफी ज्यादा भरोसा करती है, सिर्फ आरोप लगाए गए थे पर आज सच्चाई सबके सामने है और लिस्ट भी जो है वो पब्लिक डोमेन में आ चुकी है कि क्या का सामान जो है वो शीश महल में लगा हुआ। देखिए, ये इतने शातिर और इतने बेईमान लोग हैं कि ये कहीं ना कहीं उससे बच के तो निकलेंगे, साथ ही किसी सरकारी कर्मचारी को फंसा देंगे कि गार्ड की ड्यूटी इसकी थी, इसको फंसाओ, ये करो वो करो। तो ये कितने शातिर लोग हैं ये आपको
अभी भी समझना पड़ेगा, बहुत गहराई से देखना पड़ेगा और ये कितने बेईमान लोग हैं इस चीज़ को समझना पड़ेगा, इन्होंने क्या कारनामा किया है। बीइंग ए लॉयर हम जानते हैं, हम सिस्टम को समझते हैं। इन्होंने पहले तो ये किया कि स्प्लिट कॉन्ट्रैक्ट वर्क ऑर्डर्स, छोटे छोटे वर्क ऑर्डर्स को जमा करके स्प्लिट करके दिया और जो लिमिट होती थी टेंडरिंग कराने की उस टेंडरिंग को बाईपास करने का इन्होंने ये तरीका ढूंढा, इल्लीगल तरीके से सारा काम कराया। उसके बाद अब जब ये पकड़े गए हैं और जब इनको ये मकान छोड़ने की बात आई तो इसमें भी ये किस तरह की चोरी इन्होंने की है, तो मुझे लगता है कि इनकी कस्टोडियल इंट्रोगेशन स्पेशलाइज एजेंसी के पास, या तो CBI के पास ये केस जाए या ED के पास ये केस जाए, जिसमें कि ये पैसा इन्होंने कैसे चुराया है, कैसे ये सामान लेके गए हैं, किसको बेचा है, ये सब होनी चाहिए। ये पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, ये एक ऐसा गैंग बन गया है जो दिल्ली की जनता को लूट रहा है, उनका खून चूस रहा है और इसके साथ लोगों को देखना पड़ेगा कि ये कौन से लोग हैं, कैसे लोग हैं। तो दिल्ली की जनता जागरूक जनता है और भोली भाली है। इनको इन्होंने बड़ा झूठ बोल के, आप पुराने इनके बाइट्स को देखिए कि जब ये कहते थे कि इतने 800 पेज के सबूत मैं ले कर आया हूँ शीला दीक्षित के अगेंस्ट, इनको जेल भिजवाऊँगा, सोनिया गांधी को कस्टोडियल इंट्रोगेशन में करूँगा, और उसके बाद इन्होंने दिल्ली में क्या किया है, जो सड़कें हैं वो अच्छी कर दूँगा, नाले साफ़ कर दूँगा, ग्रीनरी बढ़ा दूँगा, पॉल्यूशन हटा दूँगा, सारे वायदे इनके आपको दिख जाएंगे। इनका चुनाव का मैनिफेस्टो उठा के पढ़ लीजिए, जो महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित बातें थी वो सब बातें आप देख लीजिए। और वोट करते वक्त अब सवाल नहीं है कि इनसे कोई चीज़ पूछी जाए कि आपने ऐसा क्यों नहीं किया है, कितने बड़े बहानेबाज हैं आपको अंदाज़ा नहीं है। तो वोट करते समय जनता को इन बातों का गौर करना होगा और समझना होगा कि हम ऐसे लोगों को दिल्ली में चुनकर आगे क्या करेंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है और इस पर सबको गंभीरता से विचार भी करना चाहिए। एक एडवोकेट हैं, आपका क्या कहना है जिस तरीके से दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के शीश महल को लेकर अब लगातार बड़े खुलासे हो रहे हैं और जो अब लग्जरी लाइफ अरविंद केजरीवाल जी रहे थे, पूर्व मुख्यमंत्री जी रहे थे, उसके खुलासे दिल्ली की जनता के सामने आ रहे हैं? देखिए, इसमें जो है दिल्ली की जनता सब देख रही है, सबके पास अपनी अपनी आँखें, सबके पास अपना अपना दिमाग है। अब वही जनता अपना विधानसभा चुनाव में उसका उत्तर देंगी। बहुत बखूबी दिल्ली की जनता देख रही है जो जो चीज़ें ये कर रहे हैं, और जहाँ तक इनके जो बंगलों के एक्सपेंसेस की बात है, जैसे जैसे सर ने बताया अभी कि स्प्लिट एक्सपेंसेस करके जो इन्होंने करा है, मतलब आम जनता के पैसे के साथ जो इन्होंने खेल किया है, वो जनता तो देख रही है, उसके हिसाब से उनको उत्तर भी मिलेगा विधानसभा चुनाव में। और एज एन एडवोकेट मैं तो यही कहूँगा कि कोर्ट के अगेंस्ट ना ही चले तो ठीक है, ये लोग जो भी ये बयानबाजी करते हैं या जनता का, आम जनता को तो पागल बना सकते हैं, हमें तो नहीं बना सकते। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।